ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो आज हम बात करेंगे जेंटलमैन के बारे में, ठीक है? तो मतलब लेडीज भी सुन सकती हैं, हालांकि थोड़ा ये ना जेंट्स के फेवर में जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन आया कि मतलब क्वेश्चन आता है कि यार जो डाइवोर्स, मान लो, चलो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या होती है, ठीक है? टॉपिक तो आपने पढ़ लिया लेकिन आप रियलिटी सुन लो क्या है ये उनके लिए। जैसे कि मान लो किसी की ना मतलब शादी से पहले किसी मतलब किसी का अफेयर है, ओके, और लड़की का हो जाता है शादी, ठीक है, जबरदस्ती जो भी है कहीं और, ठीक है? अब जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से तो बात करती है, कांटेक्ट में तो रहती है, तो वो सोचते हैं कि यार हम भाग के शादी कर लें और कोर्ट मैरिज कर लेंगे और दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है? तो वो अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, लेकिन ना हमारे देश में एक कानून भी है, मतलब हमें कानून को भी नज़रों में रखना चाहिए। क्योंकि देखो तुम्हारे डिसीजन ना यार को फैसले चेंज नहीं कर देंगे, ठीक है? कानून वैसा ही रहेगा, ठीक है? तुम्हारे डिसीजन लेने से तुमको ही दिक्कत होगी, कानून वही रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कल को मैं ना किसी का मतलब क्या बोलते हैं, मैं कुछ भी कर दूं, ठीक है, मतलब मैं किसी को मार दूं या पीट दूं, चलो ये तो नॉर्मल है, मैं कुछ मान लो कुछ और क्राइम कर दूं, ठीक है, मान लो मैं किसी की किसी को फोन पे धमकी दे दूं, ठीक है, और उस पे केस हो गया, तो कल को मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कानून भी है, ठीक है? तो आप इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि भी तेरे को नहीं पता, तू देश में रह रहा है, वो तेरी गलती है, लेकिन अगर तूने किया है तो तेरे पे ही अप्लाई होगा। तो सिमिलरली जो लवर्स होते हैं, जो कपल्स होते हैं, जो भागने की साजिश रचते रहते हैं ना शादी के बाद भी, लड़की को भगाएंगे और शादी कर लेंगे, फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे या जो भी है, तो उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो पहली बात, एक बात मैं आपको बता दूँ सिंपल, अगर उसकी शादी हो गई है लड़की की, ठीक है, गर्ल की शादी हो गई है, अरेंज वरेंज जो भी है, ठीक है, और अभी तुम्हारा अफेयर और तुम सोचते हो कि उसको भगा के शादी कर लेंगे, तो पहली बात अगर तुम वो शादी कर भी लोगे ना साम दाम दंड भेद लगा के, तो वो शादी वैलिड मानी ही नहीं जाएगी। अब क्यों क्यों का ये है, पहली बात वो डाइवोर्स ही नहीं है, यानी कि अपने उसने उसने पुराने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया नहीं है। सेकंड, उसका जो पति है वो जिंदा है, ठीक है जी, मतलब, और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि अगर एक शादी के होते हुए अगर आप दो शादी करते हो तो पनिशमेंट होगी, ठीक है? अब मॉरल है, जो सीखने वाली बात है वो क्या है, मतलब जो गहन वाली बात है वो क्या है, सपोज आप किसी लड़की को भगा लाते हो, वो मैरिड है, ठीक है, और उससे आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो। अब कोर्ट मैरिज आपने कर ली साम दाम दंड लगा के, यानी कि उन वकीलों को बताया नहीं कि आप मैरिड, मतलब ये लड़की है मैरिड है, चलो आपने उनको बता भी दिया, तो वो जो जब मैरिज करवाएंगे ना तो वो ये ही शो करेंगे कि ये जो लड़की है अनमैरिड है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, हालांकि उनको पता है, जो वो अलग बात है क्योंकि उन्होंने अपना काम करना है। और कल को मान लो खबर मिलती है या फिर आप पकड़े जाते हो, तो आपकी जो मैरिज है वो वैलिड नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अब लड़के का क्या नुकसान होता है यार, लड़के का ये होता है कि सपोज जैसे कि आप उसको भगाओगे ना, सपोज आपने वो लड़की भगाई, ठीक है, कौन मैरिड वाली, तो उसके घर वाले कंप्लेन लिखाएंगे मिसिंग की, पहली बात, एक दिन मिसिंग होगी, फिर बाद में पता चलेगा कि यार उसका ऐसा था, तो फिर लड़के पे लगेगी 366, यानी कि उसको एबडक्शन करने का, उसको भगाने का, एलोपिंग, उसको भगाने का, ठीक है? अब आप ये नहीं कह सकते मैंने तो इससे शादी कर ली और ये मेरी वाइफ है वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं कह सकते, क्यों? वो सेकंड मैरिज लीगल ही नहीं मानी जाएगी, वो वैलिड ही नहीं है, वो जीरो है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आप कुछ नहीं कर सकते, और 366 लगेगी, ठीक है, और ठुकाई अलग से, मतलब पीटेंगे मारेंगे वो तो है ही है कि भाई लड़के को भगाता है, बेइज्जती अलग से होती है, यानी कि तीन घर बर्बाद होंगे, एक तो लड़के का, ठीक है, एक पति का, एक जहाँ लड़की रहती थी उसकी माँ, मतलब अपने पेरेंट्स के पास उनका, तो तीन घर खराब होंगे, सॉरी तीन घर खराब होंगे। तो इससे अच्छा है कि यार मतलब जब तक वो डाइवोर्स ही नहीं हो जाती, ठीक है, उसके भी 91 दिन बाद आप शादी परफॉर्म करो, ठीक है, अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या फिर तब आप जाके कुछ एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आप एक्शन लोगे ना ये प्यार प्यार के चक्कर में भाई, तो यार कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको यहीं फंसा देंगे, क्योंकि देश का कानून है, मतलब देश कानून से चलता है, ठीक है, तुम्हारे उस लविंग वर्ड से नहीं चलता कि जो तुम डेली गुपचुप कर रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे नहीं चलता, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि देखो लड़के को फेस करना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोज 366 तो लगेगी, ठीक है, 366 के साथ 376 भी लगेगी रेप केस, ठीक है? अब आप कहोगे मेरी जो लड़की है मतलब जो मेरी वो है वो नहीं बोलेगी ऐसे, तो यार देखो ये बात हूँ, उस टाइम ना प्रेशर इतना हो जाता है, मतलब प्रेशर हो जाता है, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ना वो फंसा देती है, मतलब मैं आपको वैसे नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस है मेरे को, मतलब आप कभी भी कोई केस देख लो वो ऐसे ही होता है मोस्टली केसेस में, क्योंकि ना ऑप्शन नहीं बचता, तो लड़की बोल देती है कि हाँ मेरे को इसने भगाया था उसको, क्योंकि उसको इज्जत बचानी है ना अपने घर की, ठीक है, अपने पति के घर की, और अपने आप को बचाना है, क्यों उसको वहाँ रहना है, समझ रहे? फंसता कौन है, लड़का। तो वो प्रेशर में बयान देगी कि इसने मेरे साथ मतलब रेप किया है,
इसने मेरे को भगाया, अब आप कहोगे ऐसे नहीं करेगी तो उससे जबरदस्ती करवा लेंगे, देख लेना उसके जो फैमिली मैटर होता है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि बाद में उनको इज्जत दिखेगी कि यार कोई ऑप्शन नहीं है तो ये तो है। तो क्या होता है फिर वो लड़के को फंसा देते हैं, लड़का बेचारा फंस जाता है, उसकी जो जिंदगी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, 376 लगेगी और 366 लगेगी और ठुकाई होगी ना वो भी अलग से होगी, ठीक है। तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं ना भगाने की, भाई जो शादीशुदा है उसको भगाना है भगाना है, तो यार देखो मत भगाओ, एक अपनी तरफ से एक एडवाइस दूँ तो शादी मत करो, मत भगाओ, ठीक है। अडल्ट्री हमारे इंडिया में अलाउड है, अफेयर रखो, शादी मत करो, ठीक है, भगाओ भगाओ मत, जो काम तुम शादी के बाद कर सकते हो वो अब भी कर सकते हो, यानी कि अडल्ट्री अलाउड है इंडिया में, ठीक है। सो यही थी कुछ बातें, अगर फिर भी कोई आपकी डाउट है इस रिगार्डिंग, या फिर आपने भागना है या फिर कुछ भाग कैसे भागना है, ठीक है, तो वो हम सारा कुछ तो नहीं बता सकते, अगर फिर भी आपने बिल्कुल प्लान बना लिया है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी लिख सकते हो, फिर हम आपको पर्सनली एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कर देंगे। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो ध्यान रखो यार, मतलब तुम्हारी लाइफ है, इज्जत है, ठीक है, किसी का कुछ नहीं चाहता, शादी शादी मतलब, ठीक है, तो ध्यान रखो। ओके, और भागने से पहले ना, मतलब होते हैं यार यूथ होते हैं उनको कुछ नहीं पता, एक क्या था, एक पर्सन था बोलता है कि यार मैं एक लड़की पसंद है और मैं सोचता हूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ उसको अपने घर ले आऊँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह लूँ, और मतलब उसकी बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह लूँ, कैसे रहूँ। तो देखो यार ये इंडिया है, यहाँ पे ना लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये वैसे बोल दिया है, अभी तक कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया अभी तक, तुम सोच रहे हो कि इसका हवाला दे देंगे, वो तो अगर कोई मर्जी से रह रहा है रह रहा है, क्योंकि पता क्या होता है यार, तुम रहोगे, ठीक है, तुम लड़की को अपने घर लाओगे, रह रहे हो, तो उसके पेरेंट्स भी तो है ना भाई, उसके पेरेंट्स भी तो अपोज करेंगे ना कि यार हमारी लड़की को कैसे, क्योंकि सोसाइटी है, समझ रहे हो। तो ये सब नहीं है, ये मूवीज में दिखाते हैं ना, वो असलियत में नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो वो मूवीज वगैरह देखने और रियल लाइफ में जीना स्टार्ट करो और अवेयर रहो, ठीक है, कल को आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक लापरवाही से ना जिंदगी तबाह हो जाती है, तबाह, ठीक है, एक लापरवाही से। और जो लापरवाही क्यों होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, तुम मतलब जो बह जाते हैं ना किसी की बातों में बह जाते हैं, अब ये नहीं है कि लड़के ही बहते हैं, लड़कियां भी बहती हैं, ठीक है, मतलब वो भी बह जाती हैं, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, क्योंकि समझ रहे हो ना, तो ऐसे मत करो, अफेयर अलाउड है, अपना आराम से रहो और ये मैरिज वैरिज के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, क्योंकि सेकंड मैरिज आप कर भी लोगे तो वो वैलिड मानी नहीं जाएगी, तो क्या फ़ायदा उसका। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो एडवोकेट तो ऐसे कह रहा था भाई हो जाएगी, तो यार देखो वो तो करा देंगे, लेकिन कल को मतलब कोर्ट के आगे आएगी ना बात, तो वो वैलिड नहीं है, वकील तो कह देगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो गुड फेथ में करा दी, गुड फेथ है ना जो वर्ड, गुड फेथ, वो तो बोल देगा, और फिर दिक्कत किसे आएगी, विक्टिम को, ठीक है, उन्होंने तो भाई पैसे लेके कर देना है, लेकिन दिक्कत तो आती है ना आपको। सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप ध्यान रखो, ऐसी गलती ना हो। ओके, सो चिल मैन, चिल।